A rocket with a lift off mass 20,000 kilogram is blasted upwards with an initial acceleration of 5 meter per second square. Calculate the initial thrust force of the blast. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक रॉकेट है जिसका मास 20,000 किलोग्राम, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बच्चों, ऊपर की तरफ ये कितने एसेलेशन से जा रहा है? तो यहाँ एसेलेशन दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे कह रहे हैं बताओ रॉकेट पे लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स क्या होगा। अपथ्रस्ट फोर्स कौन सा? जो इसको ऊपर की तरफ लेके जाए। बच्चों, आपको पता है कि रॉकेट अगर जनरली अगर इसका ये इग्निशन नहीं चल रहा होता, मतलब इसका जो फ्यूल है वो बर्न नहीं हो रहा होता, तो ये ऊपर नहीं जाता। ये ऊपर जा रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्यूल बर्न हो रहा होगा। उस फ्यूल के बाहर आने से इस पर एक फोर्स लगेगा एक्शन रिएक्शन से। एक्शन रिएक्शन की वजह से ये ऊपर जा रहा होगा क्योंकि फ्यूल जो बर्न होकर गैसेज बाहर निकलती हैं तो रॉकेट पर एक फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। उस एक्शन के अपोजिट एक रिएक्शन होती है, उसकी वजह से रॉकेट पर ऊपर फोर्स लगता है। तो बच्चों, इसका मतलब रॉकेट पे ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा। मान लेते हैं वो फोर्स क्या है, एफ। ये उसको रॉकेट को ऊपर लेकर जाएगा। इस रॉकेट को अगर मैं बात करूं, ये फ्यूल ना चल रहा होता तब तो ये नीचे गिर जाता। क्यों? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को अर्थ नीचे खींचती है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है बेटा? एम जी। तो रॉकेट में ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा वो कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। तो बच्चों देखिए, रॉकेट पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ, एक वेट mg नीचे की तरफ। बट रॉकेट ऊपर जा रहा, इसका सीधा सा मतलब है कि अपथ्रस्ट फोर्स क्या है? ज्यादा है क्योंकि ऊपर की तरफ उसको एक एसेलेरेशन मिल रहा है। अच्छा, अब कैसे निकालेंगे इसका नेट फोर्स? सोचिए, तो एक ऊपर की तरफ फोर्स, एक नीचे की तरफ। जब दो फोर्स अपोजिट लगते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? बड़े फोर्स में छोटे फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसका मतलब यहां पर लिखेंगे नेट फोर्स ऑन रॉकेट। तो नेट फोर्स क्या आएगा? एफ माइनस एम जी। और ये किसके बराबर हो जाएगा? मास इनटू एसेलेरेशन के। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स लग रहा है उसी से तो एसेलेरेशन मिल रहा है ना। अब हमको पता है कोई एम मास की अगर बॉडी है, ए एसेलेरेशन से जा रही है, तो उसमें फोर्स कितना लगता है? एम ए। तो वही बात हो गई, ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए इसमें फोर्स क्या लगेगा? नेट एम ए लगेगा। अच्छा, यहां से बेटा एफ की वैल्यू निकाल दो। दिस इज द अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है। तो अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी भाई? mg प्लस एम ए। यहां पे हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो f की वैल्यू आ जाएगी m ब्रैकेट में g प्लस a, वैल्यू पुट कर दो। m की वैल्यू 20,000, ठीक है, g 9.8 प्लस a की वैल्यू 5। f इक्वल टू हो जाएगा 20,000 इंटू 14.8। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 2.96 इंटू 10 की पावर कितना बनेगा? सोचिए, तो 4 यहाँ से और 1 यहाँ से पॉइंट खिसकाएंगे, तो यानी कि 415, 10 की पावर 5 न्यूटन। तो आ जाएगा 2.96 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन। जिन लोगों को अगर ये डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं समझ में, उनको मैं बता दूँ कि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 296 और 30 मिलेंगे। कितना मिलेगा? 30 मिलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो आ जाएगा 2.96 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन। दिस विल बी द अपथ्रस्ट फोर्स। ये कौन सा फोर्स होगा बच्चों? ये अपथ्रस्ट फोर्स होगा, ठीक है। दिस विल बी द अपथ्रस्ट फोर्स। इसको फटाफट नोट कर लीजिए,